हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। हम आपको आज बटाटे का यानी पोटैटो का मोयो सॉस बना के बताने वाले दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप अपनी निगाहें आखिरी तक वीडियो पे जमा के रखें दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो की ओर। चिकन पाउडर डाल लेना है दोस्तों, रेड चिली पाउडर डाल लेना है, फूड कलर डाल लेना है दोस्तों। इन सब पेस्ट को अच्छी तरीके से मिला लेना है दोस्तों। वाटर भी डाल लेना है दोस्तों इसमें थोड़ा सा, और इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है दोस्तों। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद देखिए कलर कितना बढ़िया आ रहा है। वाह, मेरी तो विकेट ही गई, जान जा रही है इसे देखकर। मुँह में पानी आ रहा है दोस्तों, वाह। फिर हमें 3 नोक वाले चम्मच से इन बटाटे कतरे हुए बटाटे भी यानी कि पोटैटो को इसमें मिला लेना है दोस्तों, वाह। और मिलाने के बाद फ्लावर डाल लेना है, सब फ्लावर, सॉल्ट डाल लेना है दोस्तों उसके अंदर, और अच्छा हला लेना है साल्ट को डालने के बाद। और उसमें ये पटाटो पेस्ट लगा हुआ लंबा कटा हुआ पटाटा डाल लेना है, और इसे अच्छी तरीके से लगा लेना है दोस्तों इस प्रकार। और इस प्रकार इसे अच्छी तरीके से आगे पीछे से लगा लेना है दोस्तों एक चम्मच से, और हाथ से उठा के दोस्तों इसे गरम तेल में डाल लेना है दोस्तों। वाह, क्या अच्छा आ रहा है, यानी कि चिकन पकौड़ा दिख रहा है दोस्तों, चिकन पकौड़े के जैसा दिख रहा है दोस्तों हमारा ये मायो सॉस, पोटैटो मायो सॉस। तो दोस्तों इसे देखकर मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, और इस प्रकार का बटाटा मोयो सॉस बनाए और अपने स्वाद में 4 चांद लगाए दोस्तों। तो मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों, चलिए पानी तो बहुत आ गया है, और अपना हाथ भी बढ़ाए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम इससे अच्छी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी इस तरह का पकौड़ा बनाएं और साथ में 4 चांद लगाएं।